नमस्कार दोस्तों, इस समय की आप लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार ने अपने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं 4 जून के चुनावी नतीजों से पहले, और ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आप लोग जब इन आंकड़ों को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई पार्टियों की नींद उड़ी हुई सी नजर आ रही है 4 जून से पहले। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आपको आंकड़े बताएंगे, जानेंगे कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जानेंगे कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है मुंबई सट्टा बाजार में या फिर NDA को बहुमत मिल रहा है। जानेंगे कि अन्य पार्टियों को कितनी यहाँ पर सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही मुंबई सट्टा बाजार ने कुछ यहां पर प्रमुख राज्यों के भी आंकड़े जारी किए हैं, जो कि बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को एक एक करके सही सही जानकारी पहुंचाएंगे, सटीक आंकड़े मुंबई सट्टा बाजार की तरफ से आए हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और देश का अगला प्रधानमंत्री किस नेता को बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 का वो जादुई आंकड़ा है। अगर इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास में हो तो वो आराम से सरकार बना सकता है। यही बहुमत का आंकड़ा है 272 का। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार देश में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, ये कहना है मुंबई सट्टा बाजार का, आंकड़े ही कुछ ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन को यहां पर 348 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार, और वहीं बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसकी तो हालत ही खराब कर दी है सट्टा बाजार ने। मात्र 195 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं, यानी कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जनता ने उनको 200 के नीचे यहां पर धक्का लगा दिया है। देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है केंद्र से, ये मानना है मुंबई सट्टा बाजार का। बात करें यहां पर कुछ प्रमुख राज्यों की, जहां पर मुंबई सट्टा बाजार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 48, जिसमें 30 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, जबकि बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को 18 सीटें। बात करें राजस्थान की, जहां पर कुल 25 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के खाते में, 10 बीजेपी को 15 सीटें। और वहीं पंजाब की बात करें, जहां पर कुल सीटें हैं 13, जहां पर इंडिया गठबंधन को 12 बताई गई है, बीजेपी के खाते में 1 सीट दिखाई गई है सट्टा बाजार के अनुसार। हरियाणा की बात करें, जहां पर कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, 5 सीटें इंडिया 5 बीजेपी को दिखाई गई है मुंबई सट्टा बाजार ने, ये आंकड़े जारी किए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। ये भी राज्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछली बार तो 7 की 7 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार माहौल अलग है। कन्हैया कुमार को यहां पर जीतता हुआ दिखाया गया है। 7 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि 4 सीटें बीजेपी। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे बड़ा उलटफेर इस यहां पर सट्टा बाजार ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने तो बीजेपी का सफाया ही कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था, और जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया कि 400 पार सीटें इसलिए चाहिए हैं ताकि संविधान बीजेपी बदल सके, उसका यहाँ पर सीधे तौर पर असर नतीजों में देखने को मिल रहा है सट्टा बाजार के। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 38 सीटें, यानी कि भारी बढ़त इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है सीटों के लिहाज से, जबकि बीजेपी के खाते में 42 सीटें दिखाई गई हैं मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है दोस्तों, बीजेपी की 20 सीटें तो अकेले यूपी के अंदर से ही कम हो रही हैं, और टोटल सीटें 150 से भी ज्यादा कम हो रही हैं। यानी कि बीजेपी सरकार की विदाई का दिन 4 जून आ चुका है नजदीक।
यानी कि राहुल गांधी जो लगातार दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब यहां पर कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो बात यहां पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो। दोस्तों यहां पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 जून के बाद में यहां पर यह तय कर लिया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। आप लोग इस सर्वे से इस यहां पर सट्टा बाजार के अनुसार जो आंकड़े जारी किए गए हैं मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार, उन आंकड़ों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आप तक ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।